कोरोना काल में जाते जाते बची उद्धव ठाकरे की कुर्सी, निर्विरोध निर्वाचित हुए घोषित, 59 की दहलीज पर पहली बार बने MLC। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर मंडराता खतरा आखिरकार टल गया है। उद्धव ठाकरे के जिस गणित को कोरोना के बढ़ते आतंक ने बिगाड़ दिया था, आखिरकार उसी गणित के बल पर ठाकरे अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे। विधान परिषद चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने CM उद्धव ठाकरे को जीवन दान क्या दिया, एक झटके में निर्विरोध निर्वाचित घोषित हो गए। उद्धव ठाकरे के अलावा नीलम गौरे, रंजीत सिंह, मोहिते पाटिल, गोपी चंद पाडलकर, प्रवीण टटके और रमेश कराड़, शशिकांत शिंदे, अमोल मितकारी और राजेश राठौड़ को बिना किसी विरोध के MLC चुन लिया गया। ये सभी उम्मीदवार विधान परिषद की उन 9 सीटों के लिए मैदान में थे जो 24 अप्रैल को खाली हुई थी। इसी के साथ 59 वर्षीय उद्धव ठाकरे पहली बार MLC भी बन गए हैं। असल में कुर्सी के लिए BJP से नाता तोड़ कांग्रेस और NCP के साथ गठबंधन कर उद्धव ठाकरे ने CM की कुर्सी पर कब्जा तो जमा लिया था, लेकिन 28 नवंबर को बतौर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कुर्सी भी संभाल ली थी, लेकिन किसी भी सदन की सदस्यता ना होने की वजह से कुर्सी पर संकट के बादल बने हुए थे। हालांकि इन 6 महीनों के भीतर किसी भी सदन की सदस्यता हासिल करने के लिए उद्धव ठाकरे को भी खूब पापड़ बेलने पड़े। सूत्रों की माने तो कभी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के दरवाजे पर जाना पड़ा, तो कभी PM मोदी को फोन खड़खड़ाना पड़ा। बहरहाल कोरोना काल में न सिर्फ उद्धव ठाकरे की कुर्सी बच गई है, बल्कि 59 साल में पहली बार MLC भी बन गए हैं।